मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में बीती रात एक 35 वर्षीय व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर लाश को जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 9 और 21 यानी भीतिया आजाद टोला के बीच पश्चिमी बाईपास सड़क के किनारे गेहूं के खेत के पास एक झाड़ी में फेंक दिया गया। सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तो लोगों की नजर लावारिस हालत में झाड़ी के पास एक लाश पर पड़ी, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा सदर थाना को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मौके वारदात पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने लाश का पंचनामा कर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान मधेपुरा जिला मुख्यालय के गुलजारबाग मोहल्ला वार्ड नंबर 20 निवासी लक्ष्मण महतो के 45 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में की गई है। मृतक मधेपुरा जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार स्थित जिला परिषद कार्यालय के मेन गेट के पास एक होटल की दुकान करता था। मृतक के चेहरे पर एक धारदार हथियार से कट करने का निशान और गले में रस्सी का निशान साफ तौर पर दिखाई दिया, जिससे जाहिर होता है कि किसी धारदार हथियार से पहले उस पर हमला कर अधमरा कर दिया गया, फिर उसे के गले को रस्सी से दबाकर उसकी हत्या की गई। मृतक के चचेरे भाई रोकी कुमार का कहना है कि कल शाम 7 बजे मृतक दीपक ने उसे अपना मोबाइल देकर बताया था कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूं और लौटने में देर होने पर दीपक ने रॉकी को मोबाइल में सेव एक मोबाइल नंबर दिखाते हुए कहा था कि अगर मुझे लौटने में देर हुई तो वो उस नंबर पर कॉल करे। यह कहकर दीपक चला गया और जब काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटा तो मृतक के कहने के अनुसार मृतक के चचेरे भाई रॉकी ने दीपक द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो पहली बार उस नंबर पर घंटी बजी, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद वो मोबाइल नंबर ऑफ बताने लगा और फिर उस पर कॉल नहीं लगा। इससे जाहिर होता है कि मृतक दीपक जिससे मिलने गया था उसे दीपक अच्छी तरीके से पहचानता था और उसे अनहोनी की शंका पहले से थी, इसलिए उसने जाने से पहले अपने चचेरे भाई रॉकी को अपना मोबाइल देकर देर होने पर एक नंबर पर कॉल करने को कहा था। बहरहाल सुबह होने पर लाश मिलने की खबर पर जब रॉकी सदर अस्पताल आकर लाश को देखा तो वो लाश दीपक की थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली। वहीं मृतक के भाई मनोज महतो का कहना है कि दीपक कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वह बहुत ही शांत स्वभाव का था। हालांकि उसकी पत्नी शिल्पा के साथ छोटी मोटी बातों पर अनबन होती रहती थी, जिस कारण दोनों लगभग 6 महीने से अलग रहते थे। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष पहले दीपक ने शिल्पा से लव मैरिज की थी, जिससे उनकी 2 पुत्री है, लेकिन पिछले 6 माह से दोनों अलग रहते थे। दीपक की हत्या किसने की और किस वजह से की, इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है और ना ही मृतक के परिजनों द्वारा सीधे तौर पर किसी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई क्या है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं इस बाबत मधेपुरा पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही लाश को मौके वारदात से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी बिंदुओं पर तहकीकात जारी है और जल्द ही मामले का खुलासा कर कातिल को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस घटना के संबंध में आप क्या जानते हैं? मेरा भाई 7 बजे हमको फोन देके गया, बोला 10 मिनट तुम फोन देखते रहो पिक्चर, उसके बाद जो है ना हम 10 मिनट में आएंगे, तब जो है ना सब चले जाएंगे। उसके बाद बोला कि इस नंबर पे कॉल करने के लिए। किस लिए कॉल करने के लिए? बोला कोई ऐसा बात हो जाएगा ना तो तुम कॉल करना इस नंबर पे। तो कॉल किए तो स्विच ऑफ बताया, एक बार रिंग हुआ और दूसरे बार स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जितना बार कॉल किए हैं पूरा का पूरा स्विच ऑफ है। मतलब वो कल शाम में आपको मोबाइल दिया और एक नंबर बताया कि अगर हमको लेट हो जाएगा तो इस नंबर पे कॉल करना। जी, तो आप कॉल किए थे उस नंबर पे? किए थे। हाँ, तो घंटी हुई थी? हुआ था। उसके बाद जो है नहीं उठाया तो दूसरे बार किए तो वो स्विच ऑफ बता रहा था। ठीक है, तभी से जितना बार कॉल किए हैं ऑफ ही ऑफ है। अच्छा, वो नंबर किसका आपको पता नहीं? पता नहीं। अच्छा, फिर? फिर उसके बाद जो सुबह में हम लोग छानबीन किए तो हमको पता नहीं चला। उसके बाद जीजा मिला, जीजा के साथ गए थे तो एक तो पान दुकानदार बोला कि वहाँ पे बॉडी मिला था, इसी बात में जो है ना बोले कि चलिए जीजा एक बार देख लेते हॉस्पिटल में इनका बॉडी है। तो हम जीजा आए, बॉडी को देखे तो मेरा भाई। आपका अपना खास भाई था? चेरा। क्या नाम हो आपका? मेरा रॉकी कुमार। किसी के शक भी है आपको? जी नहीं, हमको किसी पे शक नहीं है। इनकी पत्नी कहाँ? हाँ, इनकी पत्नी से आप कुछ सवाल कर सकते हैं। क्या मतलब, उनके संबंध कैसा था उनकी पत्नी से? कुछ महीना से विवाद चल रहा था। किस बात को लेकर? वही घरेलू टेंशन में जो भी हो उनसे आप बयान ले सकते हैं। साथ में रहती थी कि अलग थी? अलग थी। कितने दिनों से? करीब 8 महीना से। कहीं न कहीं सरकार की निकम्मी का जो है पहचान है सर। सरकार जो है संवेदनहीन है बिल्कुल, और लोग जो है मतलब जान बचाने के लिए जान सुरक्षित में किसी का नहीं है,
वह कोई आदमी हो, बेटा हो, बेटी हो, आज के युग में जो 90 में जो लालू के दशक में जो स्थिति थी पूरे सूबे में, वही स्थिति नीतीश कुमार के रीजन में हो गया है सर। और इस तरह की घटना से हम तमाम मधेपुरा वासी और जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब मर्माहत है, इस तरह की घटना की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार यादव, जन अधिकार युवा परिषद का जिला प्रवक्ता। भीड़खी और आजाद टोल के क्षेत्र में पड़ता है, वार्ड 21 और वार्ड 9 के क्षेत्र में है ये। रात में अचानक मैंने इसको मार के फेंक दिया गया, जिसमें वहाँ शराब भी रखा हुआ है, उसका बोतल भी रखा हुआ है। जब स्थानीय लोगों सुबह में मॉर्निंग वॉक में जब निकले तो देखा जो मरा हुआ है, इनके बाद प्रशासन को सूचित किया गया, इनके बाद प्रशासन यहाँ आया, लाश को उठा के लेके जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? गोपी पंडित। मामला हमारे संज्ञान में आया है, आर्थिक पुलिस वहाँ पहुँच गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और सभी बिंदुओं पे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और जल्दी ही हम लोग इसमें नतीजे पहुँचेंगे।